को बताएंगे क्या हो सकता है और कब मिली आप लोगों को इस चीज की जानकारी? ये नेचुरल डेथ है। ये नेचुरल डेथ है तो अभी ये बहुत टाइम से हो रहा है, 2-3 दिन से लोग कह रहे हैं कि बदबू आ रही है, तो अब इसको क्या किया जाएगा, थोड़ा हटवाइए इसे। लेकिन ये इतना सब, इतनी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे होने के बावजूद, हॉस्पिटल होने के बावजूद ये कैसे हो सकता है? कोई कमेंट नहीं दे सकता इसमें मैं। अभी आप कोई कमेंट नहीं दे सकते? अभी इस बॉडी को कहाँ ले जाया जा रहा है? मोर्चे रही बदबू आ रही है 3-4 दिन से, इसीलिए जब 100 नंबर पे कॉल करा तब ये पता चला है। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। अभी हम मौजूद हैं बत्रा हॉस्पिटल के बाहर और यहाँ पर बस स्टैंड भी है और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ प्रोग्राम भी चल रहा है। महावीर जयंती है जिसको लेकर के यहाँ पे प्रोग्राम भी चल रहा है। और यहाँ ये जो पैदल चलने वालों के लिए जो पुल बना हुआ है, मैं आपको बता दूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जस्ट पीछे ही एक बॉडी पड़ी हुई है और बॉडी को देख कर ऐसा लग रहा है कि बॉडी काफी दिनों से यहाँ पर पड़ी हुई है, क्योंकि बॉडी की हालत हम आपको दिखा नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, सड़ चुकी है बॉडी बहुत बुरी तरह से। और यहाँ पर आने जाने वालों को भी काफी स्मेल आती है इसकी वजह से, इसी वजह से आज यहाँ पर जाने आने वालों को काफी स्मेल आ रही है, इसी वजह से जो है यहाँ का जो माहौल है बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। लेकिन फिर भी बत्रा हॉस्पिटल के बाहर होने के बावजूद, आपको मैं बत्रा हॉस्पिटल भी दिखा दूँ, सामने बत्रा हॉस्पिटल है, वहाँ पर महावीर जयंती का प्रोग्राम चल रहा है और उसके बावजूद भी यहाँ पर पुल के नीचे बॉडी सर रही है। आपको हर व्यक्ति यहाँ से मुंह पर हाथ लेकर जाते हुए दिखाई देगा, बहुत ही गंदी अवस्था में है बॉडी और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं भी कुछ तो करीब करीब 6-7 दिन तो हो ही गए होंगे, बॉडी की हालत इतनी ज्यादा खराब है, फिर भी यहाँ पर इसे उठाने के लिए आज तक कोई नहीं आया। पास में बस स्टैंड है, वहाँ पर भी लोगों से पूछते हैं कि क्या उन लोगों को ऐसी परेशानी नहीं हुई, क्या किसी ने वहाँ से कॉल किया या नहीं किया? आप लोग इधर से आते जाते हो, आपको ये बॉडी पहले भी दिखी थी? नहीं, ये तो सुबह देखी है मैंने, अंदर घुस के कई बंदों ने निकाल देखी थी, बदबू आ रही थी 3-4 दिन से, इसीलिए जब 100 नंबर पे कॉल करा तब ये पता चला है। अच्छा, तो 100 नंबर की पुलिस पे जो 100 नंबर पे जो कॉल किया गया था, आई थी पुलिस यहाँ पे? पुलिस ने निकाला है हूँ। ये निकाल के कहाँ से रखा है, कहाँ से निकाल के रखा है? वो अंदर है इसके अंदर। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि ये जो अंदर देख रहे हैं आप, हो सकता है कि ये पी के अंदर जाके लेट गए हो और वहीं पे ये खत्म हो गए हो, जिसके बाद इनको वहाँ से खींच कर पुलिस ने निकाल कर यहाँ पर रख दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ से हटाया नहीं है। पास में हॉस्पिटल है, इसे हटाया जा सकता है, पुलिस भी वहाँ पर खड़ी है, 100 नंबर की जिप्सी भी खड़ी है, उसके अलावा एम्बुलेंस भी खड़ी है, लेकिन फिर भी ये बॉडी यहीं पर है। और आइए देखते हैं कि, मैं आप लोगों को बता दूं कि सामने ही SDM का ऑफिस भी है और साम इधर इस तरफ बत्रा थाना भी है, उसके बावजूद हॉस्पिटल, SDM ऑफिस, बत्रा थाना, सारी चीजें पास में होने के बावजूद ये बॉडी पता नहीं कब से यहाँ पे सर रही है और पुलिस वाले इसको अंदर से खींच कर इनको निकाल कर बाहर छोड़ दिया है। बदबू इतनी ज्यादा आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज्यादा बुरी अवस्था में है बॉडी। यहाँ पर हर व्यक्ति आपको ऐसे ही बता दिया गया। आप लोगों ने पहले भी देखी थी बॉडी? नहीं देखी जी, पहले नहीं देखी थी। आपने कभी पहले देखी इस बॉडी को? कभी नहीं देखी। 4 दिन से हो रहा है, 3-4 दिन से ऐसा बताया कि 3-4 दिन से यहाँ से स्मेल आ रही थी, जिसके बाद आज कॉल किया गया पुलिस को, तो इस बॉडी को निकाल कर बाहर छोड़ दिया गया, लेकिन हटाया नहीं गया इस बॉडी को अभी भी। आइए, जो यहाँ पर बस स्टैंड है वहाँ पर भी लोगों से बात करते हैं कि क्या उन लोगों ने पहले इस बॉडी को देखा था, क्या उनको पहले ऐसा कुछ पता चला? जी आ रही थी। कितने दिनों से हो रही है, कितने दिनों से बदबू आ रही है? गांव से आया हूँ, कल परसों आया हूँ। जब तो आप लोगों को कल से पता चला है कुछ? जी हाँ। तो पुलिस वालों को कॉल नहीं किया किसी ने? नहीं, यहाँ से किसी ने नहीं किया, मतलब कल से, ये बता रहे हैं कि कल से इनको ऐसी स्मेल आ रही है। और यहाँ पर कितने ही लोग खड़े हैं? आप यहाँ पे रोज लगाते हो पानी का ये? नहीं, मैं आज लगाया, बस आज ही लगाया। तो आप लोगों को सुबह से स्मेल नहीं आ रही यहाँ से? हाँ, समझ तो आया था, फिर सुबह आके चेक किया। पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ था, महक रहा था 2-4 दिन से यहाँ से, पहले मैं वहाँ था लगाता था, फिर आज मैं यहाँ लगाया। तो पुलिस आई थी आज? आई थी। और क्या किया, खींच के बस बाहर निकाल के छोड़ दिया? पुलिस ने कुछ किया नहीं? कुछ नहीं किया, खाली वहाँ पर छोड़ दिया। कब आई थी पुलिस इस बॉडी को निकालने? 1-1.5 घंटा पहले आया था। तो 1-1.5 घंटे पहले की बात बताई जा रही है कि जब पुलिस आई और उसने बॉडी को बाहर निकाल कर छोड़ दिया, अभी भी उस बॉडी को यहाँ से हटाया नहीं गया है, जिस भी वजह से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। पास में हॉस्पिटल है, पास में SDM ऑफिस है, पास में बत्रा थाना है, उसके बावजूद भी
कैसे कोई व्यक्ति ऐसे मरा हुआ पड़ा है और इतने दिनों से पड़ा हुआ है कि उसकी बॉडी सड़ चुकी है और उसके 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 बावजूद भी इस बॉडी को अभी तक हटाया नहीं गया है। और अब यहाँ पर हमें पुलिस की गाड़ी भी नजर आ रही है, पुलिस फोर्स यहाँ पर आई हुई है, एम्बुलेंस भी पहुँच चुकी है। पता नहीं, अभी भी हम ये कह नहीं सकते कि ये पुलिस फोर्स किस लिए आई है, क्या इसको हटाने के लिए आई है या कोई और वजह है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आपको दिखाया जाए कि अंदर काफी सामान रखा हुआ है। हो सकता है ये व्यक्ति यहीं रहता हो और यहाँ पर ही शायद उन्होंने ड्रिंक कर लिया हो या कुछ भी हो, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। थोड़ा बताएंगे क्या हो सकता है और कब मिली आप लोगों को इस चीज की जानकारी? ये नेचुरल डेथ है। ये नेचुरल डेथ है तो अभी ये बहुत टाइम से हो रहा है, 2-3 दिन से लोग कह रहे हैं कि बदबू आ रही है, तो अब इसको क्या किया जाएगा? थोड़ा हटवाइए इसे, इसको पोस्टमार्टम करवाएंगे, लेके जा रहे हैं बॉडी को। लेकिन ये इतना सब, इतनी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे होने के बावजूद, हॉस्पिटल होने के बावजूद, ये कैसे हो सकता है? कोई कमेंट नहीं दे सकता इसमें मैं। अभी आप कोई कमेंट नहीं दे सकते? अभी इस बॉडी को कहाँ ले जाया जा रहा है? जहाँ भी होता है बतरा में, एम्स में, सरकारी अस्पताल में। तो आप लोगों को खबर कब मिली थी? अभी मिली, थोड़ी देर पहले। अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली है? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही खबर मिली है कि ये बॉडी यहाँ पर है। और इसके बाद अभी जानकारी हमें प्रशासन की तरफ से मिल चुकी है कि इस बॉडी को जहाँ भी ले जाया जाएगा, इस चीज़ की जानकारी हमें ये बता देंगे। कह रहे हैं कि एम्स ले जाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन टीम पहुँच चुकी है और इस बॉडी का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जाँच पड़ताल की जा रही है कि किस वजह से इनकी डेथ हुई होगी। बहुत ज़्यादा ही बॉडी सड़ी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी स्मेल भी आ रही है और लोगों को, आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। बॉडी की कंडीशन बहुत ख़राब है और यहाँ पर अब जांच पड़ताल के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। वैसे तो कहा जा रहा है कि ये बॉडी जो यहाँ पे पड़ी हुई है, इसका नेचुरल डेथ है, प्राकृतिक रूप से इसकी मृत्यु हुई है, लेकिन फिर भी इसको जांच के लिए एम्स ले जाने की बात की जा रही है, जहाँ पर इनका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किस वजह से इसकी मृत्यु हुई थी और क्या वजह थी कि ये अंदर में ऐसे पड़े हुए थे इतने दिनों से और किसी को पता नहीं चला। कैमरामैन हफीज के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार, दिल्ली।